कुछ खेतों का हाल ऐसा भी हुआ जिनमें लगातार पानी भरा रहा और वे गन्ना फसल जो थी वे भी लगातार पानी भरे रहने के कारण वे भी गल गई। पीली, आपके हिसाब से इस वर्ष गन्ने का मूल्य बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, और अगर बढ़ना चाहिए तो कितना रेट जो किसान को किसान साथियों मिले। किसान साथियों, अगर आप भी एक गन्ना किसान हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा इस बार गन्ने को तैयार करने में कितनी बड़ी परेशानी और भारी नुकसान किसानों को उठाने पड़े हैं। अगर हम बात करें इस बार शुरू से ही, तो जैसे ही गन्ने की बुआई की गई तो गन्ना बुआई के साथ ही बरसात का मौसम स्टार्ट हो गया, बेमौसम बारिश स्टार्ट होगी और गन्ने के जो जमाव थे वे बिगड़ने स्टार्ट हो चुके। बहुत से किसानों के जमाव नहीं आए, कुछ किसानों के खेत ऐसे भी हुए जिन्हें दोबारा से उखाड़ कर खेतों को फिर दोबारा से बुआई करनी पड़ी। तो किसान भाइयों, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि किसान को गन्ना तैयार करने में इस बार कितना खर्चा आ रहा है और इस बार गन्ने का रेट हमें क्या मिलना चाहिए, क्योंकि आप सभी किसान हैं जानते हैं कितने खर्चे बढ़ गए हैं गन्ने को तैयार करने में और क्या कुछ हमें मिल रहा है गन्ना लागत के रूप में, गन्ने का जो मूल्य है वो हमें क्या मिल रहा है। तो जैसे मैं कह रहा था, गन्ना तैयार करने में बहुत से खेतों को उखाड़ना भी पड़ा तो वो खर्चा ही जुड़ा एक्स्ट्रा, और दूसरी बात बहुत से किसानों ने गन्ना बीज जो था मोल लेके भी महंगे महंगे बीज भी लिए, और वे बीज लेने के बाद अगर खेत का जमाव बिगड़ गया तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान की तरफ किसान को लेके गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस बार फिर शुरुआत में ही इतना भयंकर रोग गन्ने में देखने को मिला, कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहा, तो अंधाधुंध किसानों को पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ा जो लगातार खर्चे बढ़ाता जा रहा है खेती का। अब एक बात और किसान साथियों, अगर किसी चीज़ का उत्पादन कम हो जाए तो उसके रेट बढ़ जाते हैं, लेकिन किसान के साथ में बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। किसान की अगर खेती कम हो रही है, घाटा चला गया या उत्पादन कम निकल रहा है तो किसान को कुछ एक्स्ट्रा लाभ नहीं मिलता, सिर्फ जो तय हो जाता है वही रेट मिलता है, वो सभी के साथ में होता है। अब किसान भाइयों, अभी थोड़े समय पहले की बात है, इतनी ज़्यादा लगातार बारिश हुई, नदियों में बाढ़ आ गई, जो किसानों की फसल थी बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में वे पूरी की पूरी नष्ट होगी बह गई। कुछ खेतों का हाल ऐसा भी हुआ जिनमें लगातार पानी भरा रहा और वे गन्ना फसल जो थी वे भी लगातार पानी भरे रहने के कारण वे भी गल गई, पीली पड़ गए, बिल्कुल नष्ट हो चुकी हैं। तो किसान ने जो कुछ खर्चा करना था वो तो किया, लेकिन अब जब बात आती है गन्ने के मूल्य के रेट की, भले ही कितना खर्चा आ जाए और भले ही उसका उत्पादन कितना ही कम निकल जाए, उत्पादन कम निकलने के बहुत से कारण हो सकते हैं, समय से जैसे बुआई नहीं हो पाई, लेट बुआई हुई, दोबारा से उजाड़ के दोबारा गन्ना बोना पड़ा, तो वो भी उत्पादन कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है उत्पादन पर उसका भी। तो किसान साथियों, आपके हिसाब से इस वर्ष गन्ने का मूल्य बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, और अगर बढ़ना चाहिए तो कितना रेट, जो किसान को कुछ लाभ मिले इस तरीके का रेट होना चाहिए। किसान को तो कुछ ना कुछ लाभ जरूर होना चाहिए, किसान सारा साल घुमा देता है, सारे साल मेहनत करता है सिर्फ एक गन्ने की फसल के लिए, और पूरे वर्ष बाद उसे गन्ने का रेट मिलता है, गन्ने की जो कीमत है वो मिलती है। और बहुत से किसानों के मील क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ पर पूरा साल घूम जाने के बाद भी उनका मैपिंट विचारों का किसानों का नहीं मिल पाता, तो उनके सामने कितनी बड़ी समस्या आती है किसान भाइयों। अब किसान साथियों, जो छोटा किसान था, मान लिया उसके खेत में पानी भर गया, नदी चढ़ गई, उसकी सारी फसल बह गई, तो उसका तो पूरे का पूरा वर्ष बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब उसके लिए अगर थोड़ा बहुत गन्ना बचा भी है तो क्या कर सकता है, यही बहुत बड़ी विडंबना है किसान के साथ में। तो किसान साथियों, इस वर्ष 2023-24 के लिए गन्ने का जो FRP है वो 315 रुपये कुंटल बताया जा रहा है, जो कि पिछले वर्ष 22-23 में 305 रुपये प्रति कुंटल था। तो इतना कुछ नुकसान होने के बाद और इतनी लागत अधिक आने के बाद भी क्या किसान के लिए इतना रेट जायज है, और किसानों के खर्चे कितने बढ़ रहे हैं गन्ने को तैयार करने में, कितनी लागत आ रही है, और दूसरे खर्चे भी होते हैं किसान की ज़िंदगी में, क्या इतने रेट में किसान ये सब कुछ संभाल पाएगा, अपने घर गृहस्थी चला पाएगा। किसान भाइयों, आप भी गन्ने की खेती करते हैं, आप सभी किसान हैं जो वीडियो देख रहे हैं,
तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि गन्ने का जो रेट है हमें कितना मिलना चाहिए इस बार, जो किसान की जिंदगी में थोड़ा सा सुधार हो सके। क्योंकि लागत खर्चे को तो आपको पता ही है कितनी लागत लगानी पड़ रही है, कितना प्रकोप कीटों का भी रहता है और प्राकृतिक आपदाओं को भी किसान को झेलना पड़ रहा है। तो साथियों, जो हमारा चैनल है किसान चैनल है, इसमें किसान से जुड़े हुए ही मुद्दे दिखाए जाते हैं, किसान से संबंधित वीडियो आती रहती हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब साथियों जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।